सूरज ने इसी चमन में मिलने का वादा किया था, वो अभी तक भी नहीं आए। मैं उनका कुछ देर इंतजार करती हूँ। तू नहीं आया रसीता देखे, कभी आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बनजारे, कब आएगा मेरे बनजारे। कब आएगा मेरे बनजारे, कब आएगा मेरे बनजारे। हम लोग इस रास्ते से निकले तो उस चमन में ये लड़की अकेली है और यहां ये गीत गा रही थी। मैंने दूर से देखा और कानों में आवाज क्या पड़ी हसीना, सरदार जी हाँ, तू नहीं आया आगे सारे, हाँ कब आएगा मेरे बंजारे। आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे। किसी की याद में बेचैन है। आ लड़की, घबरा नहीं, घबरा नहीं, मैं तेरे साथ कोई जुर्म नहीं ढाऊंगा, सिर्फ ये जानना चाहता हूं सबसे पहले ये बता तेरा नाम क्या है। मेरा नाम चांद है। चांद? अरे साथियों, इस लड़की का नाम है चांद और वाकई में इसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा है। इसके माँ बाप ने सोच समझ कर इसका नाम रखा चांद। अरे लड़की, ये तो बतला कि तेरे बाप का नाम क्या है, किसकी बेटी है तू? मेरे पिता का नाम, क्या नाम है? मंत्री कर्मा सिंह। साथियों रुक जाओ, इस लड़की पर कोई जुर्म नहीं करना और इसने अपने बाप का नाम जो ही अपनी जुबा पर लिया, ये तुम्हारा सरदार डाकू बीरा सिंह आग बबूला क्यों हो गया? उसका मतलब शायद तुम लोगों को नहीं मालूम, तो सुनो मैं बता रहा हूं कि साथियों मेरे दुश्मन की बेटी है ये, साथियों है ये, इसके खातिर मेरा घर गया है उजड़, मेरी पत्नी व बहना मरी गोद में, भटकता होगा बेटा कहीं तक। अरे साथियों, इसी के बाप ने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया है और जब तक इसके बाप की जिंदगी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए आ लड़की, आज मैं तुझे अपने आहनी अड्डे पर ले चलूंगा और दुनिया की कोई ताकत बीरा सिंह के हाथ से तुझे नहीं बचा सकती। नहीं सरदार जी, आ? गलती तो मेरे पिताजी ने की। मैंने क्या किया है? गलती तेरे बाप ने किया है, तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है चांद, लेकिन मैं तुझे ले जाना चाहता हूं इसलिए कि जब तुझे मैं अपने आहनी अड्डे पर ले जाऊंगा और तेरे गिरफ्तारी की खबर तेरा बाप सड़क कर्मा सिंह सुनेगा तो वो सर पटक कर अपनी चौखट पर प्राण दे देगा और या तो हमारी घाटी में आया भवानी कसम बीरा के हाथ बेमौत मारा जाएगा। साथियों देर करने का वक्त नहीं है और इस लौंडिया का हाथ पकड़ो और घसीटते हुए
इसे हमारे आहनी अड्डे पर ले चलो। ठहरो, कौन हो जो इस लड़की को पकड़ कर ले जा रहे हो? नजर उठाकर देख बच्चे, कोई और नहीं बीहड़ का शेर, ये डाकू बीरा सिंह। डाकू बीरा सिंह? कि डाकू बीरा तुझे शर्म आई नहीं? डाकू बीरा हुए, तेरे घर में भी औलाद होगी कोई, शर्म आई न इसको सताते हुए। डाकू बीरा तुझे शर्म आई नहीं, लड़कियों पर कहर ऐसा ढाते हुए, तेरे घर में भी औलाद होगी कोई, तूने औलाद का नाम लिया। अरे बच्चे, तूने बीरा सिंह के सामने औलाद का नाम लेकर हमारी पुरानी यादें फिर से ताजा कर दिया है। अगर तूने औलाद का नाम लिया तो सुन, इस लड़की पर मैं जुर्म क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहे हो? कि मेरे सब थे, मेरा पूरा परिवार था मेरे सब थे। नन्हा मुन्ना हमारा था प्यारा पिसर, इस कमीनी का जो बाप है कर्मा सिंह, पूरे परिवार पे ढा दिया है कहर। आए बच्चे, इसके बाप कर्मा सिंह ने हमारे परिवार को छीना है, हमारी खुशियों में आग लगाया है, और आज जिसकी लड़की को मैं उठाकर ले जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत बीरा सिंह के हाथों से नहीं बचा सकती। डाकू बीरा सिंह, जब तक मैं इस जगह खड़ा हूं, इस लड़की को तुम नहीं ले जा सकते। जब तक तू इस जगह पर खड़ा है, तब तक बीरा सिंह इस लौंडिया को नहीं ले जा सकता। नहीं। वाह बच्चे वाह, तेरे जौहर की हम तारीफ करते हैं, कि डाकुओं का दल तेरे सामने खड़ा, फिर भी तेरे अंदर ये हौसला है कि श्रीलौंडिया को हम तेरे नजरों से दूर नहीं कर सकते। एक बात ये बतला, तेरा नाम क्या है? डाकू बीरा सिंह। हाँ। मेरा नाम जानना चाहते हो? क्या नाम है? तो मेरा नाम सूरज है। सूरज, सूरज तेरा नाम है, और इस लौंडिया से तेरा वास्ता क्या है? जरूर बतलाऊंगा, इस लड़की से मेरा वास्ता क्या है। हाँ। ये मेरी मासूका है। अच्छा? ये मेरी मासूका है, इसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। हाँ। और किसी की जान ले भी सकता हूँ। अच्छा? वाह। साथियों, अरे सुना तुम लोगों ने इसकी बात? ये लड़का जो अभी बता रहा है, अरे ये लौंडिया ऐसी की मासूका है, ये इससे मोहब्बत करता है, और इसने कहा इसके लिए हम किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। इसने चैलेंज हमें किया, इसने चैलेंज किया, इसके चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे। हसीना विक्रम हंसा, एक काम कीजिए, तुम लोग थोड़ी दूर देर के लिए अपने सरदार बीरा सिंह को तन्हाई में छोड़ दो, ताकि इसे एहसास ना हो कि ये बीरा सिंह अपने साथियों के बल पे घमंड करता है। मैं इसके लिए अकेला काफी हूं, इससे मैं निपट लूंगा। और हां, अगर इसका कोई हमदर्द बनकर इस तरफ आता हुआ नजर आए तो फौरन गोलियों से उसे छलनी कर देना, और इसके लिए मैं अकेला काफी हूं। चलो बंदूक विक्रम और समीर मुझे दो, और जाओ तुम लोग इसी बिहार में खंडहरों में छुप जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आवाज देंगे, फौरन हाजिर हो जाना। जाओ साथियों। आ बच्चे,
आज जिसे माँ भवानी देगी वही इस लौंडिया को हासिल करेगा। जरूर सामने आओ, देखा जाएगा। क्या खता किया इस बच्चे ने, आप जो इसे मार रहे हैं मैं जानना चाहती हूं। बड़े आश्चर्य में पड़ रहा हूं, चारों तरफ अपनी नजरें उठाकर देखता हूं लेकिन हमें कोई शख्स नजर नहीं आ रहा और ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही। इस आवाज को सुनकर मैं चकित हो रहा हूं और ऐसा एहसास हो रहा कि जैसे इस आवाज से मेरा कभी रिश्ता था, लेकिन बड़े आश्चर्य में पड़ रहा हूं, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। और आज तुम जो कोई भी हो, इस बच्चे को मैं क्यों मौत की सजा देने जा रहा हूं? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है और हमारे दुश्मन की बेटी की मदद करना चाहता था, इस वजह से मेरी नजर में दुश्मन है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुकिए आगे पढ़ाओ ना अपने कदम, रुकिए आगे बढ़ाओ। खता किया इस बच्चे ने जो आप इसे मारना चाहते हैं, क्यों? बड़े आश्चर्य में पड़ रहा हूं, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ अपनी नजरें डालकर देख रहा हूं, दूर दूर तक नजरें डालकर देखता हूं लेकिन कोई दिखलाई नहीं दे रहा और ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही। ऐसा लगता हो कि जैसे मेरा कोई हाथ पकड़कर रोक रहा हो। लेकिन तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? बस यही, और कौन हो इससे क्या है तेरा वास्ता, कौन हो
की करता था इमदादी मेरे तुझे मन की करता था इमदादी जिसने मारा मेरे पूरे परिवार को जिसने मारा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। इस बच्चे की मदद करने वाली कौन हो जो कि ढाल बनकर बार बार सामने आती हो और नजरों में दिखलाई नहीं पड़ती हो? अपना परिचय मुझे दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? कौन हो? क्यों यहां आई? मैं जानना चाहता हूं। मैं सब बताऊंगी। कौन हूं? क्यों यहां पे आई? कौन हो? मैं जानना चाहता हूं। ये है बेटा मेरा। ये है बेटा मेरा, इसकी माता हूँ मैं। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा बेटा है। मैं आपकी पत्नी शारदा की आत्मा बोल रही हूँ। शारदा की आत्मा बोल। मैं क्या अपने कानों से सुन रहा हूँ कि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरी पत्नी शारदा की आत्मा मेरे दाएं बाएं भटक रही और मैं अपनी आंखों से अपनी पत्नी का दीदार नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू हमारी पत्नी शारदा की आत्मा हो तो मैं तुमसे और कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? बस यही। और माजरा कुछ समझ ही में न आता यहां। माजरा वाकई में तुम हमारी पत्नी शारदा की आत्मा हो और प्रेतियों में भटक रही हो और ये बता रही हो कि ये वही मेरा बेटा है, तो मैं कैसे विश्वास करूं? क्या साबूत है कि ये वही मेरे कुल का चिराग मेरा बेटा है? आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं? कई वर्षों के बाद मैं कैसे विश्वास करूं कि यह वही मेरा बेटा दीपक है? मैं कैसे विश्वास करूं?
है मेरे पास सबूत। सबूत? मैं आपको सबूत दूंगी। कैसा सबूत है प्रिय? याद कीजिए, आप अपने बच्चे के बालेपन में जो उसके गले में ताबीज पड़ी थी, आप उस ताबीज के अंदर किसी की अमानत छुपा के रखी थी। अमानत? हाँ प्रिय, याद आया मुझे, मेरे बेटे का बचपना था, गले में ताबीज थी, ताबीज में मैंने एक अमानत बंजारे के खजाने के नक्शे को छुपाया था, नक्शे को छुपाया था। तो देख लीजिए, आप अपनी नजरों से देख लीजिए, वही ताबीज, वही नक्शा आज भी बच्चे के गले में मौजूद है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिय, बेटे के गले में ताबीज और नक्शा इसी वक्त मैं देखता हूँ, इसी वक्त देखता हूँ। बेटे, बेटे सूरज मेरे पास आ मुन्ने, ये तेरे गले में जो ताबीज है बेटे, इस ताबीज के बारे में बता मुन्ने, ये ताबीज कब से तेरे गले में पड़ी है और इस ताबीज को किसने तुझे पिनाया बेटे, बता मेरे मुन्ने बता। हुजूर, इस ताबीज के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, जब से मैंने अपना होश संभाला ये ताबीज मेरे गले में पड़ी थी, इस ताबीज के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। ताबीज के बारे में कुछ नहीं मालूम कि किसने तुझे ताबीज पहनाया, और जब से तूने अपना होश संभाला तेरे गले में ताबीज पड़ी तुझे नजर आई। बेटे, बेटे तू कोई घर नहीं है मुन्ने, तू कोई घर नहीं है मेरे लाल, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटे, तू मेरा बेटा दीपक है। ये बात सत्य है कि मेरा बेटा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, वही मेरा दीपक है, मुझे मिल गया मेरा बेटा, मेरा बेटा। लेकिन प्रिय, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई मैं जानना चाहता हूं। स्वामी जी, इसी नक्शे की वजह से मेरी मौत हुई है। नक्शे की वजह से? हाँ, इसी नक्शे की वजह से मुझे कामलाग जादूगर ने मारा। कामलाग जादूगर? इसका मतलब कि मेरे परिवार को मुझसे छीनने वाला, मेरे परिवार को बिखेरने वाला, जो आज हमारा परिवार मुझसे बिखर गया, वो पापी जादूगर है, उसी की वजह से आज हम एक दूसरे से बिछड़ चुके और हमारा परिवार तहस नहस हो गया। और जब तक आप उसे अपने हाथों से नहीं मारेंगे, मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, मैं कभी प्रेतियों से मुक्ति नहीं पाऊंगी, कभी नहीं पाऊंगी। नहीं शारदा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जुबान देता हूं, जिस तरह उस पापी ने तुम्हारी जिंदगी छीना, आज भी तुम प्रेतियों में भटक रही हो, मैं तुम्हें जुबान देता हूं कि उस पापी को मिटाकर मैं बहुत जल्द तुम्हें प्रेतियों से मुक्ति दिलाऊंगा, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी। मां, बोलो बेटे, बोलो बेटे, आप कहां हो मां? मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ बेटा। मेरे पास? हाँ बेटे। लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो माँ? बेटे, मैं तुझे देख रही हूँ, तू मुझे नहीं देख सकता मेरे लाल, मुझे नहीं देख। आखिर क्यों माँ, क्यों नहीं देख सकता?
क्योंकि मैं प्रेत यौन में बेटा, मेरी आत्मा तेरे लिए तड़प रही है मेरे बच्चे तेरे। माँ, बचपन से लेकर अब तक मैंने माँ की ममता नहीं पाया हूँ। माँ, सिर्फ एक बार अपने गले से लगा लो माँ, सिर्फ एक बार। नहीं बेटे, अब तुझे अपने गले से कभी नहीं लगा सकती। अब तुझे देने के लिए मेरे पास केवल आशीर्वाद बचा है बेटे, केवल आशीर्वाद। सदा खुश रहो बेटे, सदा खुश रहो। स्वामी जी, मेरा जाने का वक्त हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती। जाओ प्रिय, जाओ। बहुत जल्द उस पापी कामलाक्ष को मारकर मैं तुम्हें प्रेतियों से मुक्ति दिलाऊंगा। प्रिय, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। बहुत जल्द उसे मिटाएंगे, हम अपने हाथों से उसे मिटा देंगे। बेटे, तुम फिकर मत करना मेरे लाल। जब भी तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबत आएगी, मैं इसी तरह ढाल बन के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी बेटा। सदा खुश रहो बेटे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बेटा, सदैव तुम्हारे साथ है बेटे, सदैव तुम्हारे साथ।